ये मारुति का स्विफ्ट डिजायर है, इसका स्टेयरिंग माउंट कंट्रोल अपडेट हुआ है, पूरा फुल स्टेयरिंग नया लगा है और स्टेयरिंग के साथ हब भी चेंज हुआ। बिना हब चेंज किए हुए इसका स्टेयरिंग रिमोट काम नहीं करेगा। ये क्रूज़ कंट्रोल है, ये कोई वर्किंग नहीं रहता है, इसको वर्किंग कराने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है, वायरिंग डायग्राम ये रहा, ये अपना हॉर्न का अर्थिंग तार है। ठीक है, उसके बाद ये अपना स्टेयरिंग रिमोट का की वन तार है। ये ग्रे वाला तार जो है, ये ग्रे वाला तार अपना स्टेयरिंग की वन का अर्थिंग तार है। उसके बाद अपना ये ब्राउन तार है, ब्राउन तार की टू का है। रेड तार है, ये पार्किंग का है, और ये ब्लैक अर्थ है। ये सारा वायरिंग अपना ऊपर में हो गया। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये हॉर्न का अर्थिंग तार है, ये अपना की वन का मेन तार है, ये अपना की वन का अर्थिंग तार है। उसके बाद ये वाला ब्राउन तार की टू का है, ये पार्किंग का है, और ये अर्थिंग तार है। अब इसके बाद नीचे आ जाते हैं, नीचे में भी पूरा वायरिंग सेम प्रोसेस के हिसाब से होता है। ये आप देख रहे हैं, ये ग्रे वाला हॉर्न का मेन तार है, ये वाला अपना ग्रीन वाला जो वायर हमने डाला, कलर आप कोई भी डाल सकते हैं, ये कलर लग के नहीं आता, इसको हमें बनाना पड़ता है। इसमें सिंगल तार आता है, इसमें ये ग्रीन तार हो गया अपना की वन का मेन तार, और ये वाला हो गया अपना की वन का अर्थिंग तार, ग्रीन के बगल वाला। उसके बाद ये ग्रे वाला है अपना की टू का, ये येलो वाला हो गया पार्किंग का, और ये ब्लैक ब्लैक हो गया। तो हम ये ग्रीन के बाद तीसरा नंबर पिन पे हॉर्न का मेन तार जो है उससे दूसरा और तीसरा नंबर पिन का जो अर्थिंग तार है उसको पार्किंग वाला अर्थिंग का करंट के साथ में अटैच कर देंगे, तो ये वर्किंग हो जाएगा। ZXI, LXI, ZXI।